नमस्कार। सो आप लोगों को काफ़ी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, जिसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके 240 से कम मार्क्स हैं इस साल तो सस्ती ऑप्शन आपके पास अवेलेबल तो है ही नहीं। फिर लोगों ने कहा कि सर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो लेट्स से यू आर क्वालिफाइड एंड यू आर अप टू 200-210। तो सच्चाई की बात यह है कि अगर आप उस रेंज में फॉल कर रहे हो तो शायद कुछ ही ऑप्शन हैं आपके पास, वो है वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं और बहुत कम लोग कंपटीशन में जाते हैं, तो आपको अक्सर किसी भी मार्क पर सीट मिल जाती है। पौंडेचेरी और तमिलनाडु की एमसीसी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो भारत, सत्यसाई, एसीएस, सविता, ललिता मंगलाय, आरूपाडू, विनायक मिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेल्स, और इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की NRI सीट, कर्नाटका की ओ कोटा, महाराष्ट्र की IQ कोटा और राजस्थान शायद मिल जाए राउंड 3 में, बिकॉज वो राउंड 3 में ही खुलता है फॉर नॉन राजस्थानी। तो ये ही ऑप्शन हैं आपके पास जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है एज ऑफ टुडे। तो उसमें हम ये सोचें, मतलब हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, UP, नॉर्मल वे में कोई और डीम्ड यूनिवर्सिटी अदर देन तमिलनाडु और पुंडुचेरी, नॉट इवन संतोष इज़ पॉसिबल, नॉट इवन गीतम, क्योंकि यही दो हैं जो सबसे नीचे आते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि 200 नंबर तक, 210 नंबर तक इवन गीतम या संतोष भी हमको मिलेगा, मतलब अदर देन पौंडेचेरी एंड तमिलनाडु एज एम सेइंग, बाकी सारी डीम्ड इसके ऊपर ही रहती हैं। और बस बंगाल आपके पास ऑप्शन है, आपके पास फ्यूचर में राजस्थान हो सकती है, MP NRI सीट है, महाराष्ट्र IQ कोटा है, छत्तीसगढ़ NRI सीट है, जहाँ पर भी बेसिकली NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं और जहाँ पर नॉन ब्लड रिलेशन चल जाता है। हम उनकी बात करें जिनके पास NRI फर्स्ट ब्लड नहीं है। आपके पास अगर NRI फर्स्ट ब्लड है तो 165 नंबर पे भी आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो तो भी आपको कोई भी 51 में से डीम यूनिवर्सिटी मोस्टली मिल जाती हैं। तो इस कस्तूरबा को भी सारे NRI नहीं मिलते हैं फर्स्ट राउंड में जिनके पास एक्चुअली फर्स्ट ब्लड होता है। और मैं आपको सलाह दूंगा, वैसे मैंने पुराने वीडियोस बना रखे हैं पर भाई मैं समझता हूँ कि नए सब्सक्राइबर्स पुराने वीडियो चेक नहीं करते हैं। NRI 3 तरह से इंडिया में होता है, खुद NRI बच्चा जिसको हम NRI कहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स NRI हों, वो सबसे स्ट्रॉन्ग NRI होता है जो कि पंजाब में चलता है, गोवा में चलता है। उसके बाद होना चाहिए फर्स्ट ब्लड NRI, बच्चे का मम्मी पापा के सगे भाई बहन, मतलब सगा चाचा बच्चे का, सगा ताऊ, सगी बुआ, मम्मी की तरफ से सगा मौसी, सगा मामा और इन सगे के बच्चे, ये अगर NRI आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर हम MCC की काउंसलिंग में, हरियाणा काउंसलिंग में, हिमाचल फॉर गवर्नमेंट सीट्स, राजस्थान फॉर गवर्नमेंट सीट्स, मेरी कह रहा पक्का मिलेंगी में हम एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश की NRI सीट्स, कर्नाटक की स्टेट वाली NRI सीट्स, स्टेट कॉलेज मतलब कैंपेगौड़ा, विदेही, BGS, डॉक्टर चंदम्मा दयानंद सागर, MS रामिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा में वो वाला NRI अलाउड होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि मेरे पास कई लोग आ रहे हैं, सर आप मना कर रहे हो, पर फलाना काउंसलर है, एजेंट है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको MCC वाली काउंसलिंग दिला दूंगा, मैं ऐसा फैमिली ट्री बना दूंगा, वैसा फैमिली ट्री बना दूंगा। लास्ट ईयर हर फैमिली ट्री रिजेक्ट हुआ है MCC की काउंसलिंग में। आप चांस लेना चाहें बहुत अच्छी बात है, आपका 2 लाख डूबेगा, बट फिर से वही बात है, प्लान बी रेडी रखिए और उस एजेंट को पहले कोई पैसे मत दीजिए, यही कहिएगा कि भैया जब सीट मिल जाएगी तो देंगे पैसे, क्योंकि वरना आपके पैसे डूब जाएंगे सारे। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम जब समटाइम टू अ राइट काउंसलर आप 50-75 हज़ार देने में सोचते हो और जो आपको ये गोली देता है उसको आप 2-5-10 लाख पकड़ा देते हो और बाद में फिर होता आपके साथ कुछ भी नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ NRI सीट्स, बिना फर्स्ट ब्लड रिलेशन के सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका स्टेट कॉलेजेस में, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कर्नाटका में हर जगह दो तरह के, एक्चुअली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई MCC वाली यूनिवर्सिटी है ही नहीं, कन्फ्यूजन होती नहीं है। कर्नाटका में दिक्कत क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ कर्नाटका में हो जाता है तो आपको लगता है GLN बेलागावी में भी हो जाएगा, GSS मैसूर में भी हो जाएगा या आपका कस्तूरबा में हो जाएगा। देखिए वो काउंसलिंग उनकी MCC कराती है, जिन कॉलेज की काउंसलिंग कर्नाटका स्टेट करता है, सो KEA बोलते हैं, सिर्फ वहीं पर ये अलाउड होता है, उसके रूल अलग हैं। और जो कस्तूरबा हो गई या राजराजेश्वरी बेंगलोर हो गया या SDU कोल्लार हो गया, BLD बीजापुर हो गया, JSS मैसूर, JLN बेलागावी, ये सब MCC काउंसलिंग के अंदर आते हैं और इसमें सिर्फ फर्स्ट ब्लड चलता है। ओके, हैव अ नाइस डे। इसी तरह की सटीक जानकारी चाहिए, फील फ्री टू शेयर दिस
वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हमसे स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए, हमसे काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, सीट चाहिए आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, ऑप्टिमल सीट चाहिए, कॉल अस ऑन 9433-623-20। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।